ईवीएम आने के बाद बहुजन राजनीति का जो उभार था वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए ईवीएम बहुजन राजनीति को रोकने के लिए और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की राजनीति को प्रधानता में लाने के लिए ईवीएम को लाया गया। कांग्रेस के जो महासचिव है, आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ में हैं, ये छोटा मोटा दबाव मान रहे हैं। चुनाव आयोग 6 लाख गांवों में अपनी मशीनें घुमा रहे हैं, हम तो ईवीएम फोड़ेंगे, जेल में जाएंगे, इसके लिए रोक लगाएगा। ईवीएम बेंट अपॉन होकर के वो लागू करेगा तो ईवीएम फोड़ने के लिए हमको रोक लगाएगा। संविधान निर्माताओं ने भी यही सिद्धांत संविधान में लिखा है कि वोटर के हाथ में चाबी होनी, सरकार किसकी हो ये सारा मामला बदल गया, ईवीएम के हाथ में आ गया सरकार किसकी हो। 2024 में बहुजन राजनीति क्या है सर? अभी ईवीएम का खेल चल रहा है पूरा, लगातार आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बहुजन किस तरफ जाएगा? क्योंकि अगर देश में देखा जाए 2004 के पहले जी जब से नेशनल लेवल पर ईवीएम आई है, ईवीएम आने के बाद बहुजन राजनीति का जो उभार था वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैं कैलकुलेटेड बोल रहा हूँ, इसलिए ईवीएम बहुजन राजनीति को और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की राजनीति को प्रधानता में लाने के लिए ईवीएम को लाया गया। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ये सारा खेल है। इसलिए आज कांग्रेस के जो महासचिव है, आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ में हैं, आपने शायद ठीक से सुना होगा, वो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन ईवीएम के विरोध में आंदोलन करेगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा, आप कर रहे हो अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। देखो, हम तो भाषा तो वाक्यों का अर्थ तो हम समझ में आता है, लेकिन सर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आपने ईवीएम हैक करके उन लोगों ने दिखाया, उसके बाद लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं आ रहा चुनाव आयोग। आप रिस्पांस का क्या अर्थ निकालते हैं? कोई प्रतिक्रिया है वो तो चुनाव आयोग के लोग 6 लाख गांवों में अपनी मशीनें घुमाकर समझाने का काम कर रहे हैं 31 जनवरी के बाद से, ये छोटा मोटा दबाव मान रहे हैं। चुनाव आयोग 6 लाख गांवों में अपनी मशीनें घुमा रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, 31 जनवरी के बाद कर रही है चुनाव आयोग, आप बोल रहे यार कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जागरूकता ये बताता है कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि भाई ईवीएम नहीं हटेगा, ये भी तो हो सकता है ना सर? देखो, ईवीएम नहीं हटेगा अगर चुनाव आयोग ऐसा मानता है, नहीं हटेगा तो हमको जेल में जाने के लिए चुनाव आयोग लेकर मत जाइए, मेसराम जी जेल में मत जाइए, वो हमारा फैसला कर सकता है, हम तो ईवीएम फोड़ेंगे, जेल में जाएंगे, इसके लिए रोक लगाएगा। ईवीएम बेंट अपॉन होकर के वो लागू करेगा तो ईवीएम फोड़ने के लिए हमको रोक लगाएगा, हम फोड़ेंगे। तो सर ईवीएम फोड़ेंगे यानी कानून हाथ में लेंगे आप? संविधान द्रोह देशद्रोह होता है, ईवीएम तोड़ना देशद्रोह में नहीं आता है। अरे क्या आप लोगों को कानून का पता नहीं है? चुनौती क्या है सर ईवीएम हटाने की? सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या देख रहे हैं? वोटर चाहता है हमारे पास बदलाव का अधिकार रहे, वोटर चाहता है। संविधान निर्माताओं ने भी यही सिद्धांत संविधान में लिखा है कि वोटर के हाथ में चाबी होनी चाहिए, वो डिसाइड करे सरकार किसकी हो। मगर ईवीएम ने सारा खेल बदल दिया, वोटर के हाथ में सरकार किसकी हो ये सारा मामला बदल गया, ईवीएम के हाथ में आ गया सरकार किसकी हो। पत्रकार लोगों को मैं ये बात समझा रहा हूं, वोटर्स के हाथ से निकल गई बाजी, पहल ईवीएम के हाथ में आ गई, और ईवीएम बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है, वोटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं किया जा सकता, ये बात चंडीगढ़ की घटना ने साबित कर दिया।
वोटर्स के मामले को मैनेज करना मुश्किल होता है, पकड़ा जा सकता है, पकड़ा गया उस पर मुकदमा चलने का ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी पर। चंडीगढ़ और चुनावी बांड पर झटका लगा, लगता है सरकार दबाव में अब आएगी थोड़ा। चुनाव जीतना है तो घोटाले से ही जीत पाएगी ना मोदी सरकार। तो 400 का नरेंद्र मोदी ने तो ईवीएम से 500 बार क्यों नहीं बोल रहे हो? 500 बार बोलना चाहिए, ईवीएम से ही चुनाव जीत रहा है ना, 500 बार बोले। कह रहे कि वोट मिल रहा है मोदी जी को, वो कह मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, गारंटी पे जनता विश्वास। ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा प्रोपोगंडा है, ऐसा प्रचार है। चलो ठीक है, जो आप कह रहे हैं मोदी की ऐसे ऐसा है, ऐसा ऐसा है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है, चलो वोटर बैलेट पेपर ले आइए और वो चुनाव जीतने वाला है, वोट से ले आए, जीत रहे। मोदी को मालूम है वोट से हार जाएगा। लेकिन सब कुनबा बड़ा हो रहा है बीजेपी का सर, टूट टूट के जा रहे सब बीजेपी के साथ। कौन कौन गए सर? नीतीश चले गए, जैन चले गए हैं, और भी कांग्रेस के दो चले गए, अशोक चौहान चले गए हैं। देखो उसका बात है बीजेपी में, जो लोग चले गए वो चले गए दो तीन लोग, 38 पार्टियां थी, इधर कितनी थी? 26 थी, तो 26 भारी पड़ रही थी जब तुमको तोड़ रहे, 38 से चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। अरे 26 से ज्यादा आंकड़ा 38 होता है कि कम होता है? मोदी के पास 38 पार्टियां थी, तो अरे हम नहीं जीतने वाले हैं, तो 26 वालों का तोड़ा, 26 वाले ज्यादा भारी पड़ रहे। राहुल गांधी पूरे देश का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ईवीएम पे खुलकर नहीं बोल रहे, सिर्फ दिग्विजय बोलते हैं, या दिल्ली के कुछ नेता आज बोले हैं ईवीएम को लेकर आपके साथ में आ गए हैं आज? राहुल जी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि राहुल जी के ही तो पार्टी ने ईवीएम को लाया, 84 में ईवीएम को लाया किसने? अगर राहुल जी ईवीएम पर बोले तो इमीडिएट लोग बोले आप ही ने तो लाया। सर आप कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही है यार, दो काहे को खामखा बोल रहे हैं। लेकिन ईवीएम का विरोध सिर्फ एससी एसटी ओबीसी कर रहा है, सेकंड क्लास के लोग नहीं आ रहे सर। ईवीएम का विरोध केवल एससी एसटी ओबीसी करता है, सेकंड क्लास के लोग नहीं करते। एससी एसटी ओबीसी 74.5% है, इसको आप कम समझ रहे हैं। इनको क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है इनको ईवीएम से? किसको? एससी एसटी ओबीसी को। अगर इनके पास से वोट का अधिकार छीन गया तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इनके पास केवल वोट का अधिकार है, अगर ये भी खत्म हो जाए तो फिर तो इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव होता है, हाँ, उसके बाद वोट बहुजन किसको करे? वोट किसको करे? कम से कम वो अपना चॉइस से वोट कर सकता है, मगर ईवीएम की वजह से चॉइस को करने का विकल्प खत्म हो गया, क्योंकि ईवीएम में जाने के बाद वो जिसको चाहे ट्रांसफर कर देता है अंदर ही अंदर। सर आप करीब 10 साल से लग रहे हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन सफलता आपको भी नहीं मिल रही है। सारे देश भर में 6.5 लाख गांव में चुनाव आयोग मशीनें घुमा रहा है समझाने के लिए, पागल लोग है चुनाव आयोग के लोग, बगैर दबाव के कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है तो पागल लोग है वो, बिना मीडिया के कैसे सारे 6.5 लाख? हाँ ये बात मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं इसको मुद्दे को उठा रही है। ये आपका मेनस्ट्रीम नहीं है क्या? अरे सोशल मीडिया पहले नंबर का मीडिया हो गया दुनिया में, अपनी ताकत को पहचानो। पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनल वाले हुआ करते थे पहले नंबर, कुत्ता नहीं पूछ रहा उनको, उनको साला सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है, चैनल वाले सोशल मीडिया में, पेपर वाले सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया पहले नंबर का हो गया। कुछ बहुजन कहते हैं कि ये जो ईवीएम है ना मनुस्मृति है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने कहा था पहले, सर एक बात कही जा रही है कि ये लोग सबसे पहले मैंने कहा था, एक बात कही जा रही है कि 2024 ये लोग हार रहे हैं, ईवीएम का बहाना इसलिए पहले से बना रहे हैं। देखो अगर मान लो ये हार रहे हैं और मोदी ही जीत रहे तो फिर तो बैलेट पेपर ही लाना चाहिए, जीते ही रहे ना भाई वो। नहीं जीत रहे, कह रहे हम लोकतंत्र में। देखो
10 साल सरकार बनाने के बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर डेवलप होता है, वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट, जो किसी भी सरकार को बदलने का बड़ा कारण होता है। इससे मोदी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको काउंटर करने के लिए ही 400 की बात कह रहे हैं, ताकि फ्लोटिंग जो 10% वोट है वो मोदी की तरफ डाइवर्ट हो जाए। ये कितना है? असल बात ये है कि एकदम एग्जिट कैसे बता देते हैं कि 400 पार जाएंगे? नेहरू जी की बराबरी कर रहे हैं क्या ये? नहीं नहीं, वो ईवीएम मशीन बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना, उसमें 4 आदमी मोदी जी ने अपने बिठाए हुए हैं। अच्छा, जैसा अनिल मसीह, वो 4 आदमी ने उनको बोला, 4 आदमी ने उनको बोला आप 400 मत बोला करिए। क्यों? 370 का हमने आंकड़ा फिक्स किया है। कहा कि 400 का क्यों नहीं? कहा कि 30 सीटें छोटे छोटे दलों को देना पड़ेगा ना, ताकि दुनिया वालों को भी लगे कि नहीं नहीं। तो लोग कहते हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट भी डिसीजन सही से नहीं ले रहा सर, याचिका तो आपने भी कर रखी है। नहीं नहीं, मेरे पास तो एक निर्णय आ गया है और उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ फैसले अभी है पेंडिंग, अगर वो 8 दिन में फैसला कर ले, 8 मार्च तक एक फैसला आने की संभावना है, 8 मार्च तक आने की संभावना है। जब चुनाव आते तभी आते हैं सर, आप भी पहले से क्यों नहीं कर रहे थे 5 साल से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन? आप, मैं 18 साल 3-4 महीने की उम्र से तब से कर रहा हूँ, 625 जिलों में ऐसे पहुँच गया आंदोलन, तो मैं ऐसे अभी थोड़ी लड़ रहा हूँ। 625 जिलों में